नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पूरा डेटा मेरे पास तैयार है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। प्रीवियस ईयर का डेटा है, इस साल के जो एनालिसिस है वो सब देखने के बाद, और जो भी आपकी आंसर की आई है उसमें स्टूडेंट्स की पोल में जो मार्क्स हैं उनको देखने के बाद जो डेटा मैंने तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूँ। देखिए, अब तक जितनी कट ऑफ मैंने बताई हैं लगभग सभी सटीक गई हैं। 2024 की एसएससी जीडी की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूँ 2023 का। यहाँ पर 2023 के आंकड़ा है, उससे रिलेटेड 2024 का हम बात करेंगे। तो टोटल वैकेंसी दोस्तों 2024 में कितनी थी? 49,590। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 49,590 टोटल वैकेंसी निकली थी, मेल और फीमेल सभी कैटेगरी को मिलाकर। दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड कितने कैंडिडेट हुए थे? जो पहली लिस्ट आई थी, जो पहली कट ऑफ गई थी, उसमें 370,998 स्टूडेंट्स मेल और फीमेल मिला के टोटल क्या हुए थे, शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। पहली कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेल कितने थे? तो मेल सिलेक्टेड हुए थे 370,998, ठीक है, 370,998 इसमें, सॉरी, ये पूरा आंकड़ा जो दोस्तों है, ये पूरा इसमें से मेल और फीमेल को मिलाकर है। और जो थोड़े दिनों बाद जो दूसरी कट ऑफ आई थी, उसमें जो मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए थे वो किए गए थे 93,228, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी थी 49,590 पिछली बार बता रहा हूं मैं, इस बार टोटल शॉर्ट, और उसमें जो पहली कट ऑफ गई थी उसमें 370,998 विद्यार्थी शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। उसके बाद जब मेडिकल की कट ऑफ आई थी उसमें 93,228 विद्यार्थी शॉर्टलिस्टेड किए गए थे, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ कितनी गई थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको अगर बता दूं कि मेल कितने शॉर्टलिस्टेड हुए थे, मेल की संख्या कितनी थी इसमें, तो 41,262 मेल सिलेक्टेड हुए थे और 5,117 जो थी वो फीमेल्स में सिलेक्टेड हुई थी, शॉर्टलिस्टेड हुई थी फाइनल कट ऑफ में। इसमें कुछ वैकेंसीज मेल की खाली रह गई थी और कुछ फीमेल की वैकेंसीज खाली रह गई थी, ठीक है। टोटल वैकेंसी थी कितनी, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल की वैकेंसी थी 43,884। जो ये टोटल वैकेंसी थी इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनमें मेल की वैकेंसी ये थी और फीमेल की वैकेंसी थी 5,531। काफी अच्छी वैकेंसी थी फीमेल की भी, इस बार तो आधी भी नहीं है। और फीमेल सिलेक्टेड कितनी हुई थी, 5,117। मेल की वैकेंसी 43,884 थी और मेल सिलेक्ट कितने हुए थे, 41,262, ठीक है, यानी पूरी सीटें नहीं भरी गई थी। अब जो भी इसका रीजन रहा हो क्यों नहीं भरी गई थी, अब लेकिन मैं पिछले 2023 की जो कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ क्या गई थी, देखिए मैंने सभी स्टेट यहाँ पर नहीं लिए, लेकिन कुछ स्टेट से ही पता चल जाएगा कि एक एवरेज कट ऑफ क्या गई थी। तो जनरल की कट ऑफ गई थी यूपी में, यूपी स्टेट की बात करें तो 131 जनरल की फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 129 थी, 128 ओबीसी की, एससी की 114, एसटी की 103। जनरल की सबसे हाईएस्ट जाती है, उसके बाद फिर सबकी थोड़ी थोड़ी कम जाती है, ये सबको पता होगा। एमपी में 129 जनरल की कट ऑफ गई थी, 124 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 128, एससी में 114, एसटी में 97। बिहार में 128 जनरल की गई थी और 114, 117, 118 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में गई थी। दिल्ली में जनरल की कट ऑफ 127 थी, राजस्थान में 126 थी जनरल की कट ऑफ, और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो हरियाणा की गई थी, 135 मार्क्स फाइनल कट ऑफ हरियाणा की। ईडब्ल्यूएस में 132 थी और ओबीसी में 130 थी। तो ये कट ऑफ जो थी, ये कट ऑफ सब दोस्तों मैं 2023 की बता रहा हूँ। आप देख रहे होंगे 132 काफी हाई कट ऑफ थी, ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा था तो आपको सभी को पता होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एसएससी जीडी 2024 की। दोस्तों, जब 2024 में एग्जाम हुआ तो वही पैटर्न जो 2023 में था वही पैटर्न 2024 में है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया। टोटल पोस्ट थी वो पहले की तुलना में आधी थी, लगभग आधी कह सकते हो, 49,000 समथिंग थी, 26,000 है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा थी, आधी से थोड़ी सी ज्यादा। जिसमें मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी 23,347 थी और फीमेल की वैकेंसी दोस्तों 2,799 थी। तो ये रही पोस्ट एसएससी जीडी 2024 में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, मतलब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल आधी वैकेंसी थी,
तो इसका फर्क तो पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज का कनेक्शन होता है कट ऑफ से, पेपर का लेवल क्या रहेगा, सिलेबस चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, टाइम कितना मिला था एग्जाम के लिए, वैकेंसी कितनी थी, स्टूडेंट कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, सब चीजों पर निर्भर करता है आपकी जो कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस बार एग्जाम पैटर्न क्या था, वही जो 2023 में था, 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन दोस्तों कितने नंबर का था, 2 मार्क्स का था, तो 80 क्वेश्चन के कितने नंबर बनेंगे, 160 में से आपकी कट ऑफ जाएगी, 160 नंबर में से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 8.5 मिनट में। मैंने ये जनरल की बात बताई है, जनरल के बारे में, हो सकता है ओबीसी एससी एसटी में थोड़ी सी इसमें छूट भी दे दी जाए। फिजिकल के बाद दोस्तों क्या होगा, फिजिकल के बाद एक और फिजिकल होगा, सिम्पटम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कह सकते हैं पीएसपी, जिसमें हाइट चेस्ट वगैरह सबकी नापतौल होगी। अगर मैं हाइट की बात करूं दोस्तों, तो मेल में हाइट होनी चाहिए जनरल में 170 सेंटीमीटर और फीमेल में हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, तभी आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर पीएसपी में। इसके बाद दोस्तों फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद जो है फिर आप फाइनल शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। दोस्तों जो मैंने सर्वे कराया है, जो मेरे पास जितने भी कैंडिडेट्स का डेटा है 2024 में, जो भी अभी आपकी आंसर की आई है, उसके बाद जो भी मार्क्स का डेटा मेरे पास आया है, उनमें देखो दोस्तों जो आंकड़ा ये है इस तरीके से, 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 130 से 140 के बीच में। अब आप इसे देखकर चौंक जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इतने ज्यादा संख्या में 10% विद्यार्थी बहुत होते हैं जिनके मार्क्स 130। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन ये आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल मेरे पास जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ऐसे फेक नीरा चीजों को। 10% स्टूडेंट ऐसे जिनके नंबर 130-140 के बीच में है कहीं ना कहीं। अब आप नहीं मानेंगे तो पिछली बार की कट ऑफ कोई नहीं मान रहा था, सब अपने लगा के 105-110 जाएगी पहली कट ऑफ, 115 रहेगी, लेकिन पहली कट ऑफ ही 122 की थी पिछली बार तो वैकेंसी भी 49,000 थी। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसको समझ रहे होंगे, और जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं कमेंट में उठ के सीधे कमेंट फिर करते हैं, खुद नहीं पढ़े तो दूसरों पे आरोप लगाएंगे, दिल को तसल्ली देने वाली बात करेंगे कि इतने नंबर हो ही नहीं सकते हैं। 10% ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जिनके मार्क्स 120 और 130 के बीच में हैं, लगभग मतलब बराबर कह सकते हो। 30% विद्यार्थी दोस्तों ऐसे जिनके मार्क्स 110 और 100 के बीच में हैं, और 50% यानी ज्यादा संख्या में विद्यार्थी वो हैं जिनके 100 के अराउंड मार्क्स आए हैं, आप कह सकते हैं 100 से 110 के बीच में, 90 से 100 के बीच में। दोस्तों अगर आपके मार्क्स 100 के अराउंड है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस आप ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से ओबीसी से एससी से एसटी से, महिला हैं पुरुष हैं जो भी हैं, उन सबका भी फर्क यहाँ पर दोस्तों पड़ता है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, देखिए अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो रही बात सर्वे की, अब मैं बात आता हूँ लास्ट फाइनल कट ऑफ पे। जो मैंने दोस्तों कट ऑफ बनाई है, जो भी आंकड़े मेरे पास है, डेटा जो भी आया है पूरा सर्वे करने के बाद, तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ जो रहेगी, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज है ना, तो वो रहेगी 138 से 148 के बीच में, ये जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, यानी 150 भी जा सकती है, इधर 136 भी जा सकती है, वैसे मुझे लगता है 138 से कम तो नहीं जाएगी जनरल की। ओबीसी की बात करूं तो 135 से 145 के बीच में लगभग ये कट ऑफ रहेगी दोस्तों ओबीसी की। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 69 से 79 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है एक्स सर्विसमैन वालों की। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 130 से अगर 140 के बीच में मार्क्स हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल सेफ हैं। एससी की बात कर लेते हैं तो 127 नंबर से 137 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, इसमें दोस्तों थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है 2-4 नंबर का, एससी की कट ऑफ इतनी जाएगी क्योंकि वैकेंसी इस बार पहले से बहुत कम है। और एसटी की कट ऑफ दोस्तों 115 से 125 के बीच में रहेगी एससी की कट ऑफ जो रहेगी। फाइनल कट ऑफ है ये पहली कट ऑफ मत समझ लेना, जो मैंने इतनी हाई बता दी है तो आप सोच रहे हो, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, ये है मेरी फाइनल कट ऑफ मेडिकल के बाद, फाइनल कट ऑफ। अब आप कहेंगे नहीं पहली कट ऑफ बताइए ना, हमें फाइनल से क्या मतलब है, भाई फाइनल से ही मतलब है, पहली कट ऑफ निकाल के कर क्या लोगे, रनिंग कराओगे मेडिकल कर लोगे फिर भी तुम्हें निकल नहीं है फिर, है ना। तो फाइनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके इतने मार्क्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं,
आप अपनी फिजिकल मेडिकल की तैयारी करें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नंबर कम है तो आप फिजिकल की तैयारी ना करें, फिजिकल की तैयारी आप करें, लेकिन सच्चाई ये है कि कट ऑफ लगभग इतनी जानी है। अभी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ जो बताई थी वो भी अराउंड इतनी गई थी जो मैंने बताई थी, ठीक है। और यूपी पुलिस की कट ऑफ, हालांकि पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से रद्द कर दिया गया, लेकिन यूपी पुलिस की कट ऑफ जो मैंने बताई थी लगभग उतनी ही जाती अगर पेपर लीक ना होता तो। और ये मेरी एसएससी जीडी की 2024 की कट ऑफ है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार मैच कर लेना जब आपका रिजल्ट आए तब। तो दोस्तों हाँ, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है। तो दोस्तों पहले से कई सारी चीज़ें बदली हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कम पैसों में कोर्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट पहले से ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, जागरूक हो गए हैं स्टूडेंट, सारी चीज़ें अब उपलब्ध हैं उनके पास, फैसिलिटी पहले से ज़्यादा हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का दोस्तों फ़र्क पड़ता है। तो महिलाएं भी भाग ले रही हैं इसमें, बराबर की हिस्सेदारी होगी, तो पहले से कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ये हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन, जी बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बिल्कुल 4 से 5 नंबर आप ये मान के चलिए, अगर आपसे 130 नंबर हैं तो 135 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, अगर आपने तुक्के कम मारे होंगे, आपके रॉन्ग यानी गलत कम गए होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कट ऑफ है, इस वीडियो में मुझे कट ऑफ बतानी थी। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना होगा, क्यों? क्योंकि मैं यूपी पुलिस यानी यूपी पुलिस की अभी तो जो एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम जो होगा यूपी पुलिस का री एग्जाम जो होगा उसके लिए, चाहे आरओ की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल ऐसे यूपी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं यूपी स्पेशल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं दोस्तों। जीके का कोई भी एक रैंडम टॉपिक होता है उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं गणित की पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा रहा हूं, जिसमें मैं अभी फिलहाल एलजेब्रा शुरू करा है, एलजेब्रा के अभी मैंने शुरुआती की है, एलजेब्रा खत्म होने के बाद मैं कंप्लीट हालांकि मैथ कराऊंगा जैसे जैसे समय वैसे कम मिल पाता है थोड़ा, और जैसे समय मिलता है मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद, जय श्री राम।